अरे अरे ये क्या भैया, सामने से गाड़ी आ रही थी, बगल से गाड़ी आ रही थी, दाएं से आ रही थी, बाएं से आ रही थी। हमने कहा शुक्र है ऊपर से नहीं आ रही और ना ही नीचे से, कहीं इधर उधर मिल जाती तो दिक्कत हो जाता। वैसे आपको पता था कि कोरोना का भाई साहब दूसरा लहर बड़ी तेजी से फैल रहा। उत्तर प्रदेश में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। ऐसे भाई साहब लोगों का आवागमन जारी देखने को मिला। हम ना जाने भाई साहब काहे के लिए घर से निकल रहे थे, कोई साइकिल से जा रहा था, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा था, कोई कार से जा रहा था, तो कोई भाई साहब पैदल ही दौड़ लगा दिया था। मामला भाई साहब मसौली क्षेत्र का। फिलहाल कैसा दृश्य देखने को मिला आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब वहीं दूसरी खबर भाई साहब बलिया से बता, जहां पर भाई साहब कोरोना को देखते हुए प्रशासन काफी ज्यादा सतर्क देखने को मिला। शनिवार रविवार और भाई साहब सोमवार तक बंदी का ऐलान कर दिया गया। ऐसे भाई साहब जो लोग भी सड़कों पर निकल रहे उनका चालान बकायदा कर दिया। शनिवार को भाई साहब रेलवे स्टेशन मार्ग पर बिना वजह घर से बाहर निकलने वाले और मास्क ना लगाने वालों के विरुद्ध भाई साहब चालान भी काटा गया और सख्त निर्देश दिए। कैसा दोस्त देखने को मिला बलिया में आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल भाई साहब बलिया जनपद के लिए हसन खान की रिपोर्ट और बाराबंकी के लिए आदर्श रावत की रिपोर्ट।